दोस्तों, अगर आपके पास 2024 में टाइम नहीं है लेकिन उसके बाद भी अगर आप YouTube पर आना चाहते हो, YouTube से पैसा कमाना चाहते हो, तो दोस्तों आज का ये जो चैनल आइडियाज है, जो मैं आपको चैनल दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये चैनल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला काम आप इस चैनल को देखिए। इस चैनल पर 42 वीडियो अपलोड हुए हैं और 42 वीडियो से ही 1,94,000 प्लस सब्सक्राइबर इस चैनल पर कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 42 वीडियो में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कैसे? बस दोस्तों, यही तो खासियत है कि इस बंदे ने एक ऐसा ट्रिक लगाया है जिसकी वजह से इसके YouTube चैनल पर 1,94,000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप वीडियो वाले सेक्शन पर आते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही वीडियो यहाँ पर लॉन्ग मिलेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखो 21,000 व्यूज, 19,000 व्यूज, 16,000 व्यूज, 84,000 व्यूज, 40,000 व्यूज, 19,000 व्यूज, 22,000 व्यूज, 1,60,000 व्यूज। ये तो रही दोस्तों लेटेस्ट वीडियो की व्यूज। अगर मैं यहाँ पे पॉपुलर पे आता हूँ तो यहाँ पे पॉपुलर में देखिए दोस्तों, 3 करोड़ व्यूज, 22 लाख व्यूज, 11 लाख व्यूज। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, 30 मिलियन व्यूज। दोस्तों आप लोग सोच सकते हो कि आखिर इस बंदे ने ऐसी क्या ट्रिक्स लगाई है जिसकी वजह से इसके चैनल पर मात्र 42 वीडियो में 1,94,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहला काम आप इनकी वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए। आप लोगों ने भारत के आम तो देखे होंगे, मगर मैं आपको आज चाइनीज आम दिखा रहा हूँ। चाइनीज आम इतने अच्छे और पीले दिखते हैं जिसे देखकर आपको उन्हें खाने का मन करता होगा। अगर आपको आम पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बंदा इस टाइप की वीडियो अपलोड करता है। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी टाइप की आपको भी वीडियो को बनाना है और अपने चैनल पर अपलोड करना है। तो दोस्तों, इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको पहले कुछ चैनल्स को फाइंड करना होगा जहाँ से आपको वीडियो उठाना है। तो इसमें ना ही आपको अपना फेस दिखाना है, ना ही आपको अपना वॉइस देना है, ना ही आपको इसमें ज़्यादा एडिटिंग करना है, ना ही आपको इसमें ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखना है। मात्र 15 मिनट का काम रहेगा। 15 मिनट में आप इस टाइप की वीडियो बना करके रेडी कर दोगे और अपने चैनल पर आसानी से अपलोड कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना, सबसे पहला काम यहाँ से बाहर आना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मामा यम यम, ठीक है, मामा यम यम इतना लिख करके सर्च कर देना। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको ये चैनल दिख जाएगा मामा यम यम का। 392 वीडियो अपलोड हुए हैं, 11,07,000 प्लस सब्सक्राइबर इस चैनल पर भी कंप्लीट है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ही वीडियो मिलेंगी, आपको इसी पर आना है और यहाँ पे देख सकते हैं उसी टाइप की आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मिल जाती है। इसमें सिर्फ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा, वॉइसेस इसमें भी नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है, इस बैकग्राउंड म्यूजिक को म्यूट कर देना है और अपने वॉइस ओवर को यहाँ पे अपलोड करना है। और आपको वॉइस ओवर जनरेट कैसे करना है, AI के माध्यम से। आपको अपना खुद का वॉइस नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो प्ले करके सुना देता हूँ। 不送了，再送啊！我就是个嘚儿。我听说你们在外头买苹果都需要10来块钱一斤，在我们产地啊，它就几毛。这个就是我家的奶油富士，每个都是又脆又甜的，特别的好吃。तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बंदा इस टाइप की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता है। अभी मैं आपको 2-3 चैनल और बता देता हूँ जहाँ से आपको वीडियो को उठाना है। तो एक चैनल तो हमारा ये हो गया एंड दूसरा हमारा है, उसका नाम है मेरू मेरू TV, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 616 वीडियो अपलोड है, 11,04,000 सब्सक्राइबर इस पर ऑलरेडी कंप्लीट है और व्यूज़ देख सकते हैं 3 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, 8 करोड़, इस तरीके से इस पर भर भर के व्यूज आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहीं से वीडियो को उठाना है। तो ये रहा हमारा दूसरा चैनल। दोस्तों आप इन चैनल से वीडियो को उठा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक काम और करना है, अगर आप यहाँ से वीडियो को उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है कुसाओकू, जो कि एक चाइनीज एप्लीकेशन है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। तो उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना और उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के माइंड में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहला तो ये कि अगर मैं चाइनीज एप्लीकेशन को यूज करूँगा तो मुझे कोई प्राइवेसी इशू तो नहीं होगी? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जब तक आप चाइनीज एप्लीकेशन को यूज करना उसमें आपको परमिशन दे के रखना है। उसके बाद जैसे ही आपकी वीडियो वहाँ से डाउनलोड हो जाती है तो आपको उसका परमिशन वहाँ से बंद कर देना है। तो फिर उसके बाद आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइवेसी इशू नहीं होगा। तो ये रहा आपका पहला डाउट। एंड सेकेंड डाउट आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि क्या AI वाइज चैनल मोनेटाइज होते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, AI चैनल मोनेटाइज होते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में AI वाइज या फिर AI इमेजेस को यूज करते हो तो आपका वो जो चैनल है वो आसानी से मोनेटाइज हो जाता है। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि आपको किस टाइप की वीडियो बनाना है और आपको वीडियो उठाना कहाँ से है। तो चाहे तो आप यूट्यूब से वीडियो उठा लेना या फिर मैंने जो आपको एप्लीकेशन बताया आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इसमें करना क्या होगा, आपको स्क्रिप्ट तैयार करना होगा, वो भी कैसा, वीडियो के हिसाब से। तो आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहला काम आपको उसी चैनल पर आना है जिस टाइप के आप वीडियो बनाना चाहते हैं। आपको क्या करना है, इनकी एक वीडियो को पहले प्ले करके सुनना है कि इसमें क्या बोला जा रहा है। दोस्तों ये लड़का कह रहा है कि ये दोनों आम एक साथ आए थे लेकिन इनमें से एक आम पहले ही पक गया है और यह देखने में कितना क्यूट लग रहा है। फिर यह लड़का इसे काटता है तो इसके अंदर काफी सारा रस निकलता है जिसे देखकर मुझे इसे खाने का मन कर रहा है।
इनामों के लिए एक लाइक करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको भी इसी टाइप का वीडियो बनाना है, तो जहां से भी वीडियो को डाउनलोड कर लेना, पहला काम आप इस वीडियो को आकर के सुन लेना कि इस बंदे ने अपने वीडियो में क्या स्क्रिप्ट यूज किया है। तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको स्क्रिप्ट लिखना कैसे है। तो आपको स्क्रिप्ट लिखना कैसे है वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर आपको पहला तो ये पता चल गया कि स्क्रिप्ट लिखना कैसे है, आप यहाँ से आइडिया ले लेना। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है जिस वीडियो पर आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो है स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट लिख के तैयार किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर दो स्क्रिप्ट लिख करके रखा हुआ है। आप इन दोनों में से किसी भी स्क्रिप्ट को अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मैं एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो पहला है, तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं अपने बगीचे में आया हूँ, आज मैं आपको अपने बगीचे का सबसे स्वादिष्ट फल दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, अगर आपको भी मेरी तरह रसीले फ्रूट्स पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद। ये रहा आपका पहला स्क्रिप्ट, आप इस तरीके से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें जैसे कि ये है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का मात्र एक ऐसा फ्रूट जो पकने के बाद भी उसका कलर नहीं बदलता है। तो ये रहा हमारा वो फ्रूट, इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, तो दोस्तों आपको ये फ्रूट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी वीडियो को जैसे लोग देखेंगे तो आपकी वीडियो पर कमेंट करेंगे, जब कमेंट करेंगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा वायरल होगी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि अगर आपके वीडियो पर लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, शेयर आते हैं, तो आपकी वीडियो वायरल होने के जो चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपके वीडियो पर लाइक भी मिलेंगे, कमेंट भी आएंगे, और आपको सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। अभी दोस्तों आप ये जो स्क्रिप्ट देख पा रहे हो, ये स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस वीडियो की है। ये स्क्रिप्ट है इस वीडियो की, यहाँ पे देख सकते हैं 110,000 व्यूज है इस वीडियो पर, और मैंने इसी वीडियो के स्क्रिप्ट आपको अभी पढ़ के सुनाया है। मैं इसको एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, इसी तरीके से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए शेयर पे क्लिक करके इसके लिंक को कॉपी करना, और डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाना, वहाँ पे आपको पता ही होगा कि वीडियो को डाउनलोड कैसे करते हैं, डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है, उस स्क्रिप्ट को आपको वॉइस ओवर में जनरेट करना पड़ेगा। तो वॉइस ओवर में जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको AI का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि अगर आप 11 लैब्स का यूज़ करके AI वॉइस को जनरेट करते हो तो वहाँ पर आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता है, तो आपको वहाँ पर वो प्रॉब्लम आती है। तो आपको उससे भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पर आ जाना YouTube पर, सर्च कर लेना यहाँ पर आशीष यादव 2.0, यानी कि मेरा चैनल। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एक ये वाला वीडियो दिख रहा होगा, एक दिन पहले मैंने इसको अपलोड किया है। 11 लैब्स छोड़ो, यहाँ आ जाओ, जितनी चाहो उतनी अनलिमिटेड वॉइस बनाओ। आपको इस वीडियो को देख लेना है, इस वीडियो मैंने एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वॉइस मिलती है, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार को कोई भी लिमिट नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देख लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को इस वेबसाइट पर ले जाना और वहाँ पर पेस्ट कर देना और वॉइस को जनरेट कर लेना। जनरेट करने के बाद अब बारी आती है वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो वीडियो को एडिट करने के लिए दोस्तों हम चलते हैं सीधा मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और वहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को एडिट कैसे करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो को एडिट करने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कैपकट को, तो यहाँ पर मैंने कैपकट में अपनी वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो भी स्क्रिप्ट का वॉइस जनरेट किया हुआ है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो का, तो आपको इसी ऑडियो पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे साउंड पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करना और डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ से आपने जिस भी नेम से अपने वॉइस को जनरेट किया था उस नेम को यहाँ पे सर्च कर लेना। तो अगर आप 11 लैब्स से जनरेट किए हैं तो यहाँ पर 11 लैब्स लिखेंगे, यहाँ पर 11 लैब्स नाम करके यहाँ पर बहुत सारे ऑडियो मिल जाएंगे। तो आपकी जो भी ऑडियो है यहाँ से सिलेक्ट करके उसको इम्पोर्ट कर लेना। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो ऑडियो है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपकी ऑडियो इंपोर्ट हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, आपको इसको एक बार सुन लेना है कि आपकी जो ऑडियो है वो वीडियो के साथ मैच कर रही है नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो वॉइस है वो आगे पीछे हो रही है वीडियो के हिसाब से, तो आपको वीडियो में कट लगाना पड़ेगा। कट कैसे लगाना है तो इसको एक बार प्ले करके सुन लेना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक मेरी ऑडियो परफेक्ट आ रही है, अब यहाँ के बाद जो है यह जो वीडियो का सीन है वो आगे दिखा रहा है या फिर पीछे दिखा रहा है, और मेरी जो ऑडियो वो फास्ट है। तो इसमें आपको एक काम करना होगा, इस पर क्लिक कर देना वीडियो पर, और यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना और जितना आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे कट लगा लेना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इतना का जो पार्ट है ये स्लो आ रहा है, इसको मुझे थोड़ा सा और इसकी लेंथ को बढ़ाना है, तो इसमें सिलेक्ट कर लेना और इस पार्ट पे क्लिक करके इसकी स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर देना, ताकि ये वीडियो के ताकि आपकी जो वीडियो है वो ऑडियो के हिसाब से परफेक्ट मैच कर जाए। तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए यहाँ से आप इसको ड्यूरेशन को इस तरीके से डाउन कर देना। देखो पहले ये 7 सेकंड का था, अब ये 12 सेकंड का हो गया है।
तो इस तरीके से आपकी जो ऑडियो होगी वो वीडियो के साथ में मैच कर जाएगी। बस दोस्तों आपको इसमें इतना ही करना है, इसमें आपको कहीं से कुछ ट्रांजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको अपनी ऑडियो के हिसाब से परफेक्ट मैच करवा लेना है। कि जैसे देखो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी स्पीड को जैसे ही डाउन किया, यहाँ पर देखो मेरी ऑडियो यहाँ तक है ना, यहाँ तक, और मेरी वीडियो कहाँ तक, यहाँ तक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपनी ऑडियो को वीडियो के हिसाब से मैच कराने के लिए इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने जो कट लगाया था उसमें स्पीड डाउन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ऑडियो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये वीडियो यहाँ पर बैठ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक काम और करना होगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना, जैसे कि यहाँ पर अभी देखो मैंने लाइक का बटन यहाँ पे यूज किया हुआ है, देखो ये वाला, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक का बटन। तो आपको क्या करना है, अपनी वॉइस को सुनना है, जहाँ पर आपने अपनी वॉइस में लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोला हुआ है वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करना, और ऐड ओवरले पर क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक का बटन ऐड कर लेना, इतना ही करना है दोस्तों। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको इसको एक बार फाइनली सुन लेना है। सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन पे ऐसे क्लिक करना और इसको 1080 कर देना, और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अब दोस्तों मैं आपको इसका फाइनली रिजल्ट दिखाता हूँ कि मेरी वीडियो किस हिसाब से बन करके रेडी हुई है। ये है चाइनीज मैंगो, ये इतने साफ होते हैं, इनमें आपको एक भी दाग नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये आम बड़े हो जाते हैं तो इन आमों को कागज की थैली में बंद कर दिया जाता है। आपको पीछे दिख ही रहा होगा, यही कारण है ये इतने साफ और बड़े रहते हैं। और इन आमों को बेचने के लिए इनको एक पेटी में 4 से 5 आमों को रखा जाता है, जिसकी कीमत 100 रुपए होती हैं। अगर आपको मेरी तरह इंडियन मैंगो पसंद है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस टाइप का वीडियो एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड कीजिए। दोस्तों यकीन मानो 15 दिन के बाद आपका जो चैनल होगा बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आप भी इस टाइप की वीडियो बनाओगे तो आपको बहुत ही जल्द यूट्यूब पर ग्रोथ मिल जाएगी, बहुत कम टाइम के अंदर से ही यूट्यूब से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।